दस गो पाठ का नाम आते अगर पूछा जाए, पांच गो पूछता है इंटरव्यूअर, अगर आपसे दस गो पूछा जाए कि इंजन के दस गो पार्ट का नाम बताओ, क्या बताइएगा? छोटा बड़ा पार्ट बहुत सारा आप जानते हैं, है ना? तो छोटा बड़ा पार्ट नंबर भी छोटा बड़ा ही दिलवाएगा, बड़ा बड़ा पार्ट बताइए। एमएस धोनी मूवी देखे हैं आप लोग, उसमें बोलता है कि इधर सिलेक्टर बैठक है, उधर खाली छक्का मारो, तब सिलेक्टर तुमको पहचानेगा कि तुम कौन है। समझ में आ रहा है ना बात? तब ना सिलेक्टर का ध्यान उधर जाता है। ऐसा वही बात है यहाँ पर, वही कॉन्सेप्ट आजमाना है कि वही चीज बताइए जो सब जानता है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि जितना चीज आप जानते हो आपका इंटरव्यूअर जानता ही होगा, ठीक है? हो सकता है नहीं जानता होगा, इसलिए ऐसा ऐसा चीज बताइए जो सब जानता है। इसके लिए हम एक ट्रिक बनाया है, जिसका ट्रिक का नाम है बीपीसीसी, बीपीसीसी, चार गो एक साथ पढ़े, एच वी जी आर, चार गो एक साथ पढ़े, प्लग और बेल्ट। क्या पढ़ेंगे? बीपीसीसी, एच वी जी आर, प्लग बेल्ट। बीस का मतलब क्या है? ब्लॉक, इसको इंजन ब्लॉक भी कहते हैं। पी का मतलब पिस्टन, ठीक है? नंबर तीन पर क्या है? सी, सी मतलब क्रैंकशाफ्ट। फिर उसके बाद चार नंबर पर सी है, यहाँ पर हम कैमशाफ्ट भी कह सकते हैं, लेकिन हमने क्या लिखा है? कनेक्टिंग रॉड लिखा है। उसके बाद फिर एच है, एच का मतलब हेड, या इसको इंजन हेड भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पहले, ब्लॉक जो होता है इंजन का सबसे भारी पार्ट होता है, ठीक है? ब्लॉक सबसे भारी पार्ट होता है, सबसे नीचे का ब्लॉक ही न रहता है, उसके ऊपर ही न बहुत कुछ रहता है। उसके बाद ये हेड है, हेड के अंदर सबसे अधिक मूविंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट मतलब घूमने वाले पार्ट। समझ में आ रहा है? इंजन में सबसे अधिक मूविंग पार्ट्स कहाँ होते हैं? हेड के अंदर होते हैं, हेड के अंदर। उसके बाद ये क्या है? वाल्व है। वाल्व क्या है? वाल्व, वाल्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनलेट और एक एग्जॉस्ट, बताएंगे आगे चल के। उसके बाद फिर जी का मतलब गैस्केट, गैस्केट कहाँ लगता है? हेड और ब्लॉक के बीच में, हेड और ब्लॉक के बीच में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पानी और इंजन ऑयल का मिश्रण ना हो। चलिए, ये जो आर है, आर, आर का मतलब रिंग, ठीक है? प्लग का मतलब स्पार्क प्लग, और बेल्ट का मतलब टाइमिंग बेल्ट। ये टाइमिंग बेल्ट जो है ये इंजन के अंदर लगता है, ठीक है? बाहर से जो बॉनेट पे देखते हैं उसको फैन बेल्ट कहा जाता है। सब चीजें ध्यान रखिएगा, ये टाइमिंग बेल्ट है और बहुत जगह रहता है, मैंने क्रैंकशाफ्ट पर भी रखता है, पुल्ली सब को जोड़ने का काम करता है। समझ में आया? क्रैंकशाफ्ट और फ्लाई व्हील के बीच में रहता है, ज्वाइंट करता है टाइमिंग बेल्ट, ठीक है? तो ये बीपीसीसी, एचवीजीआर, प्लग बेल्ट, समझ में आ गया? इंजन के दस गो पार्ट का नाम याद हुआ? बीपीसीसी, एक साथ बोलेंगे, बोलेंगे उसके बाद एचवीजीआर, उसके बाद क्या बोलेंगे? प्लग बेल्ट। बीपीसीसी, बी से ब्लॉक, जोर से, बी से ब्लॉक, बी के बाद पी, पी से पिस्टन, उसका ट्रायल को भी ले लीजिए, बीपीसी से क्रैंकशाफ्ट, फिर सी से कनेक्टिंग, कर सकता है। तो बीपीसीसी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर औरी पर गिन, एच वी जी आर, एच का मतलब हेड, उसके बाद भी, भी का मतलब वाल्व। वाल्व कितने प्रकार के होते हैं? एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट, एच वी हो गया। उसके बाद जी, जी का मतलब गैस्केट। उसके बाद फिर आर है, आर का मतलब रिंग, यानी कि पिस्टन रिंग, चूड़ी आकार का होता है, पिस्टन में उसको कसा जाता है। तो बीपीसीसी और एचवीजीआर हो गया। अब बचा प्लग बेल्ट। प्लग का मतलब स्पार्क प्लग, और बेल्ट का मतलब टाइमिंग बेल्ट, ये इंजन का पार्ट है, फैन बेल्ट नहीं, टाइमिंग बेल्ट। समझ में आया बात? ठीक है, कोई दिक्कत?